सोए नहीं होंगे, इसलिए राधा रानी आपका कष्ट को देख रही हैं। इसलिए राधा रानी जरूर आप लोग सबको ऊपर में राधा रानी की जरूर आपको ऊपर कृपा होगी, रानी की जय। इसलिए अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे राधा रानी की महिमा को श्रवण कर रहे थे, इसलिए बोले वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आद्या बंते च मध्य च राधा सर्वत्र गीयते। यहाँ पर कहते हैं वेद पुराण उपनिषद जितने सारे ग्रंथ को अगर सही सही रूप में देखेंगे, बोले आद्या बंते च मध्य च, आदि बीच और अंत में अब देखना एक चीज ही है, बोले राधा सर्वत्र गीयते, सब जगह में राधा ही राधा ही राधा ही राधा नाम मिलेगा। इसलिए वेद को देखो, कोई कहते वेद में तो राधा जी का नाम है ही नहीं है, बोले नहीं, वहां पर भी राधा या माधव देव माधव सह राधिका, वहां पर भी मंत्र में राधा जी को साथ में कृष्ण और कृष्ण को साथ में श्रीमती राधा रानी, वहां पर भी कहीं राधा श्याम राधा नाम राधा, ऐसे अलग अलग रूप में जो प्रत्यय का अलग अलग नाम है, वेद में भी सर्वत्र श्री राधा जी का नाम है। बोले उपनिषद में देखो बृहदारण्य उपनिषद क्या कहते हैं, बोले शैव नैव रमते नैव रमे स द्वितीय मैच्छत। जब कृष्ण गोलक वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे कृष्ण खड़े हुए, अभी उनकी इच्छा हो रही है लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए, इसलिए वो अकेले तो लीला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कहते स द्वितीय मैच्छत, इसलिए वो दो होने के लिए इच्छा की, और इच्छा करते ही देखा उनकी जो वाम अंग कंपन होना शुरू हुआ, करते करते बड़े सुंदर एक दिव्य किशोरी उनकी वाम अंग से प्रकट हुई है, चूंकि वो रासलीला से प्रकट हुई इसलिए पहला अक्षर पड़ गया रा, लेकिन प्रकट हो करके सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करने के लिए कृष्ण को पूजा करने के लिए धावित तो हुई, धावित तो मतलब होता है दौड़ना, दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा और धा नाम पड़ा है। इसलिए जो राधा नाम है इसकी बहुत सारे अर्थ बताए, बोले राधा मतलब क्या होता है, हम जो राधे 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 बोलते हैं ये राधा का मतलब क्या होता है, इसका बहुत सारे अर्थ बताया। एक अर्थ बताया राधा साधा संसिधौ, राधा का मतलब होता है जो सम्यक रूप में जो जीवों को सिद्धियों को जो प्रदान करता है, कौन सा सिद्धि प्रदान करती है राधा रानी, बोले कृष्ण सेवा की, जगत में तो बड़े अष्टनिधि और नवनिधि अष्ट सिद्धि नवनिधि है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा सिद्धि क्या है, बोले जगत में सबसे बड़ा सिद्धि है राधा रानी के चरण में, बोले जो अनंत शक्ति जो कृष्ण जो श्याम सुंदर है, ये राधा रानी की कृपा से ही जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो कृष्ण है जो अनंत चूर्णम, इसलिए कहते राधा जी की चरण में ऐसे शक्ति है जिन्हें चरणों को आश्रय ग्रहण करने पर जगत में जो सबसे बड़ा जो सिद्धि जो कृष्ण प्राप्ति के तो आसानी से ही वो कृष्ण प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणो अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभाष्य तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगाओ। भैया अगर कृष्ण रस रूपी समुद्र में कोई गोता लगाना चाहते हो, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते पहले तो तीन चीज को अपनाओ, फिर तो कहीं कृष्ण भक्ति तुमको मिल सकता है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण भक्ति बड़ी टेढ़ी खीर है, जैसे वो तीन जगह में टेढ़े है ना, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है, इसलिए ब्रज में एक सुंदर भजन भी है आप सुने होंगे, बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, जमुना तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी। इसलिए कृष्ण भक्ति बड़ी टेढ़ी खीर है, साधारण नहीं, लेकिन कहते हो टेढ़े टांग वालों को अगर कोई पाना चाहते हैं
उससे सबसे सरल उपाय क्या है? बोले राधा रानी के चरण को आश्रय ग्रहण करो। राधा जी की चरण के द्वारा अंकित जो वृंदावन धाम है वो धाम का आश्रय करो, और राधा जी की प्रेम में जो सराबर हुए जो भक्त हैं जब तक उनकी चरण का आश्रय नहीं करो कि भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए राधा मतलब होता है राधा साध संसिध, बोले जिनकी कृपा से ये जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि जो कृष्ण प्रेम है जिसको द्वारा प्राप्त होगा। बोले राधा का और एक अर्थ होता है राध वृधव। बोले राध वृधव मतलब क्या है? कहते जो राधा मतलब होता जो हर्ष में वृद्धि प्राप्ति होता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं विभुरपि कलयन। कहते राधा रानी का प्रेम कैसे है? कहते विभु है। कहते यद्यपि बढ़ते बढ़ते से कृष्ण को भाव को देखकर राधा जी की भाव बढ़ती हैं, राधा जी की प्रेम को देखकर कृष्ण की प्रेम बढ़ती हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आपस में होड़ लग जाती है। होड़ लगते लगते एक जगह पर ऐसे स्थान आती जहां पर कृष्ण फेल हो जाती है, लेकिन उनको ऊपर में भी राधा रानी की भाव चली जाती है, लेकिन तब भी तो कोई एक सीमा होती है ना प्रेम को। लेकिन कहते राधा रानी का प्रेम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। इसलिए राधा का मतलब होता है राध वृधव, जो प्रेम इतने उन्नत अवस्था में पहुंचता है जो प्रेम के द्वारा वो श्याम सुंदर को भी भिगो देती है, उनको भी डुबा देती है। इसलिए राधा का मतलब ये है। राधा मतलब क्या होता है? बोले कृष्ण सेवा को जो प्रदान करने वाले श्री राधा रानी है। इसलिए कहते गोपाल तापनी उपनिषद में देखो वहां पर भी राधा रानी की महिमा है। वहां पर कहते हैं रस वैषम रसम झवायाम लब्ध्वा आनंद भवती। बोले कृष्ण कौन है? कहते वो रस वैस है, पूर्णतम रस स्वरूप कृष्ण है, हैं? सारा दुनिया कृष्ण से ही रस को प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे जो कृष्ण है अगर इनको अगर कोई आनंद प्रदान करता है कौन है? बोले ऐसा जे आनंद है, विश्व ब्रह्मांड तो कृष्ण से आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन कृष्ण को अगर कोई आनंद प्रदान करने वाले कौन है? बोले श्री राधा रानी है। इसलिए कृष्ण को क्या सोचते हैं? मेरी इतनी मीठी आवाज है जिस आवाज को सुनकर विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब मैं श्री किशोर जी की आवाज को सुनता हूँ मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। मेरा शरीर इतने कोमल है विश्व ब्रह्मांड मेरे शरीर को स्पर्श करके विश्व ब्रह्मांड उन्माद हो जाते हैं, लेकिन मैं जब श्री राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ मैं स्वयं उन्मादित हो जाता हूँ। ऐसे श्री राधा जी की प्यारी प्रेम राधा रानी की। इसलिए समस्त पुराण वेद उपनिषद में जहां भी देखो राधा जी की महिमा को छोड़कर के और कुछ है नहीं, सर्वत्र श्री राधा रानी की महिमा को गान की गई। इसलिए कहते इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते चैतन्य चरितामृत में कहते एक श्लोक को बड़े सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कौन सा श्लोक है? बोले देवी कृष्ण वही प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। वो श्लोक है बोले देवी राधा जी को, बोले देवी, देवी मतलब दोत्तमाना परम सुंदरी। कितना सुंदरी, एक उदाहरण देकर समझाते हैं। ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनके अंदर में जितने सुंदरता है ये सारे सुंदरता को अगर एकत्रित करोगे स्वर्ग में जो अप्सरी रंभा उर्वशी मेनका का नाम सुनते हैं सब स्त्रियों का सुंदरता मिलने पर एक अप्सरी के साथ में बराबर है। मतलब स्वर्ग में जितने अप्सरी इनके अगर रूप का एकत्रता करोगे ना कहते ये एक श्री लक्ष्मी को साथ में बराबर कर सकते हो। अनंत लक्ष्मी है लेकिन इनकी सुंदरता को अगर एकत्रित करोगे कहते एक गोपी को साथ में हो सकता है, गोपियों के साथ में। इसलिए कृष्ण कहते सुमध्यमा, लेकिन अगर सारे गोपियों की सुंदरता को एकत्रित करोगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं लक्ष्मी जदंग्री चरण कमल, राधा रानी की चरण की नख की छटा को सामने ये सारे गोपियों का रूप भी उनकी चरण की नखा की छटा में वहां पर भी मात हो जाती है राधा रानी की। इतने सुंदरता है बोले श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि सारा दुनिया को मोहित करने वाले कौन है? बोले कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का अगर कोई मोहित करती हो कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते हैं
बंसी करान निपति तस्खलितम शिखंडम। राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष से श्याम सुंदर भी स्वयं मोहित हो जाते हैं, उनका बंसुरी गिर जाती है, मयूर मुकुट गिर जाते हैं, उनका वस्त्र कभी खिसक जाता है, कृष्ण को भी पता नहीं चलता है। इसलिए उनको कहते देवी, जो दूसरा शब्द बोले देवी कृष्णमयी, उनका नाम कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब क्या, कृष्ण जार बाहर भीतरे, कृष्ण जिनकी बाहर भी अंदर भी है वो कृष्णमयी। इसलिए कहते ना सारा दुनिया कृष्ण का प्रेम में मुग्ध हो जाते, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं बोले राधा चिंता निवेश न जस कांतीर बिलोपिता। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इन्होंने हर मंदिर में देखोगे कृष्ण का रंग कैसे है, काले, लेकिन केवल हमारी मठ में देखोगे कृष्ण का रंग कैसे है, कैसे रंग है, गोरे रंग है। ये गोरे रंग को द्वारा क्या स्थापन करते हैं, ये गोरे रंग को द्वारा बोले राधा रानी की माधुर्य में विश्व ब्रह्मांड कृष्ण चिंता करते हैं, लेकिन श्री श्याम सुंदर कहते राधा रानी की चिंतन करते करते कहां पर, इमिल तला में राधा रानी की चिंतन करते करते श्याम सुंदर स्वयं अपना काला रूप छोड़ करके श्री गौरवर्ण को धारण किया। इसलिए राधा रानी जब ढूंढते ढूंढते वहां पर आई बोले ये तो सारे कृष्ण का मयूर मुकुट बंसुरी सब कुछ, लेकिन इनका रंग क्यों बदला हुआ है। राधा रानी समझ गई श्याम सुंदर मेरी चिंतन करते 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 मेरे भाव में ये रंग धारण किया मेरे रंग। इतने में राधा रानी आकर के स्पर्श करती हैं, स्पर्श करने पर इतने में अपना रंग को राधा रानी जब ग्रहण कर लेती हैं, इतने में श्याम सुंदर ने देखा यद्यपि मैं अखिल रसामृत मूर्ति मैं हूँ, विश्व ब्रह्मांड का सारे आनंद स्वरूप मैं हूँ, लेकिन आज जब मैंने राधा रानी की चिंता में डूबा हुआ था, आज हमें एक दिव्य अवलौकिक एक दिव्य हमें आनंद प्राप्त हुआ जो आनंद हमने कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं किया। इसलिए वहीं पर ही श्याम सुंदर ने समझ गए जरूर ये राधा रानी की प्रेम में कुछ बल है, राधा रानी की प्रेम में शक्ति है। इसलिए वहीं पर उन्होंने स्थिर कर लिया था कलियुग में मैं स्वयं राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के इसी जगत में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके इस जगत में आऊंगा। जैसे श्रीमती राधा रानी हा कृष्ण करते करते पछाड़ खाकर गिरती हैं, उनका अंदर में जो आनंद की प्राप्ति होता है मैं भी उसको आस्वादन करना चाहता हूँ। इसलिए कहते ये इसलिए उनका नाम कृष्णमयी है, वो कृष्णमयी। इसलिए एक विग्रह आप देखोगे दुनिया में सारे जगह में देखोगे तो राधा रानी का रंग कैसे है, गोरी है, लेकिन एक जगह में देखोगे ना राधा रानी काली, वो गोरी नहीं है। बता सकते हो कहाँ पर राधा रानी काली है, अरे बोलो कहाँ पर राधा रानी काली, सब भूल गए हो। अगर आप जाओगे सिर्फ पुरी में वहां पर तोटा गोपीनाथ में देखोगे ना वहां पर राधा रानी का रंग देखोगे कैसे काली है वहां पर, क्योंकि कहते वहां पर राधा रानी कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण जार बाहर भीतरे, कृष्ण अंदर में भी और कृष्ण बाहर में भी, वहीं पर श्री राधा रानी कृष्ण चिंतन करते 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 श्री श्यामा रूप को धारण की। इसलिए राधा जी का एक नाम श्री श्यामा भी है, हैं जो कृष्ण को कराए श्याम रस मधुपान, कृष्ण को भी श्याम रंग मतलब ये श्रृंगार रस है, जो श्याम सुंदर को भी जो श्रृंगार रस को पान कराती है श्री राधा रानी। बोले देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका, कहते इनका तीसरा नाम है राधिका। राधिका मतलब क्या है बोले इसका दो अर्थ है, बोले कृष्ण ने आराध्यते इति राधा, बोले कृष्णम समा आराध्यते इति राधा है, ये गोपाल तापनी उपनिषद में बताया। बोले एक अर्थ राधिका मतलब होता है कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं, बोले कहां पर सेवा कुंज में जाकर देखो बैठ पैलटो राधिका पायन, बोल रहे थे ना वेद में ढूंढो पुराण में गायन, वो परम ब्रह्म को मैंने विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र ढूंढा वेद पुराण, लेकिन वो परम ब्रह्म परात्पर तो मिले नहीं, बोले मिले थे कहाँ मिले, बोले वृंदावन में सेवा कुंज में, बोले सेवा कुंज में मिले तो किस रूप में मिले, बोले बैठ पैलट राधिका पायन, राधा जी की चरण की सेवा करते हुए परम ब्रह्म मिले। इसलिए बोले कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं और कृष्ण की जो आराधना करती है वो कौन है, श्री राधिका। राधिका मतलब होता है कृष्ण को जो विशेष पूर्वक है जो आराधना करती है, कृष्ण की भाव को समझ करके हर तरह से जो सेवा करती है श्री राधा रानी।
परा देवता का जितना देवियों में ये सर्वश्रेष्ठ देवी कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। इसलिए जितने सारे शक्ति है कहते कहाँ से प्रकट होती है, उमा रमा सत्या सची चंद्र सब के सब श्री किशोरी जी से सबके सब प्रकट होते हैं। और विशेष करके उनकी तीन शक्ति है, कहते एक शक्ति तो वैकुंठ में जितने सब लक्ष्मियां, दूसरे शक्ति कहाँ पर, कहते श्री वृंदावन में दूसरे शक्ति गोपियां हैं, कहते तो तीसरे शक्ति राधा रानी। लेकिन ये तीनों शक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन है, श्री राधा रानी। राधा रानी की कायब विहर रूप में कृष्ण की अनंत रूप में सेवा करने के लिए राधा रानी अनंत वैकुंठ में अनंत लक्ष्मी बन करके श्री श्याम सुंदर के श्री राधा रानी सेवा करती हैं। इसलिए सर्व लक्ष्मी के लिए सर्व कांति, कांति मतलब होता है इच्छा, कभी जो कृष्ण की सारी इच्छाओं को जो राधा रानी पूरी करती हैं। उदाहरण दिया है जैसे कि शीशा को सामने खड़े होने पर आप जैसे अपना शरीर को श्रृंगार करो ना, आप देखोगे ठीक आप परछाई भी ठीक से हो जाएगी, ठीक ऐसे परछाई बन जाती है। कहते उसी तरह बोले कृष्ण की मन में जितने भावना प्रकट होती है वो अपनी आप राधा जी के हृदय में वो भाव अपनी आप जग जाती है। इसलिए राधा रानी कृष्ण की समस्त इच्छा को जान करके अगर चाहती है राधा रानी मान कर ले, राधा रानी मान ही नहीं होकर बैठी जाती है, कहते मान को छोड़ दे, मान छोड़ देती है। इसलिए कृष्ण की सारी इच्छा राधा जी के अंदर में अपनी आप प्रकट हो जाती है। अभी सुन रहे थे ना सद्वितीय मैच्छत, इसलिए वो दो होने के लिए इच्छा की। बोले क्यों, कारण क्या है, बोले कारण यही है अभी कृष्ण को क्या अच्छा लगता है कृष्ण को तो पता होगा ना, हमें थोड़ी पता है। इसलिए कृष्ण ही एक अलग दूसरे रूप में, इसलिए कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। इसलिए जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, इसलिए केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो बने। उदाहरण देकर समझाया जैसे दिया, जैसे देखना दिया में एक जगह में तो तेल होता है लेकिन दो तरफ में दो दिया जलती है लेकिन तेल एक ही है। दूसरा उदाहरण दिया जैसे जड़ से, एक जड़ से दो कमल फूल जैसे निकले हुए, कहते एक कौन है, एक कृष्ण है और एक श्री राधा रानी है। इसलिए तत्व तो यह अलग नहीं, केवल कृष्ण अपना सेवा शिक्षा को प्रदान करने के लिए श्री राधा रानी के रूप में अभिन्न रूप में प्रकट होती है। इसलिए कहते हैं ये कृष्णा मई देवी राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सनमोहिनी परा, उसका जो एक नाम थे सनमोहिनी। सनमोहिनी मतलब क्या है, बोले विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण मोहित करते हैं, अगर कृष्ण को कोई मोहित करती है कौन मोहित करती है, श्री राधा रानी उनको मोहित करती है। इसलिए आज श्री राधा रानी का जन्म तिथि है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते ये ललित माधव और विदग्ध माधव जो नाटक लिखे हैं उसमें राधा रानी की बड़ा सुंदर लीला वर्णना की है। ये राधा रानी कैसे कहाँ प्रकट होती है, रावल में, इसके दो मिनट सुन लो। कहते श्री शंकर जी के जो श्री हिमालय का जो बेटी है ये पार्वती, और पार्वती का पति कौन है, अरे बोलो पार्वती का पति कौन है, शंकर जी भोले बाबा। अभी ये हिमालय पर्वत का बड़ा अभिमान है, वो जिस जिन पर्वत को पास में जाता है ना सब जगह बेटा डीग हांकता है, बोले जानते हो मेरे दामाद कौन, बोले देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदर। जिस पर्वत को पास में जाए सब जगह में अपना डीग हांके हमारी दामाद शंकर भोले बाबा। अभी उन्होंने विंध्याचल पर्वत को पास में जाकर के भी अपने खूब बड़ाई की, अरे जानते हो मेरे दामाद कौन है, देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी। अभी विंध्याचल पर्वत का बड़ा अभिमान आया, बोले ये जहाँ जाता है अपना डीग हांकता रहता है, देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी। इसने मैं विंध्याचल पर्वत ने ब्रह्मा जी को आराधना की, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोले बर मांगो, बोले मेरे को ऐसे एक दामाद चाहिए जो शंकर जी से हर गुण से श्रेष्ठ होनी चाहिए, उनकी सुंदरता से उनकी गुण से उनका रूप से हर तरह से हमें ऐसे के दामाद चाहिए।
हमें कि ये वरदान दो। इतने में ब्रह्मा जी इनको वरदान तथास्तु बोलकर वरदान दे दिया। अभी प्रश्न है दामाद कब होगा, घर में बेटी हो तब तो दामाद होगा, बेटी के बगैर दामाद नहीं हो सकती है। लेकिन जो शंकर जी से हर गुण रूप से श्रेष्ठ कौन, बोले कृष्ण। अभी कृष्ण की लादनी शक्ति कौन, बोले राधा रानी। अगर इनकी बेटी अगर राधा रानी बनेगी तभी कृष्ण को प्रियतम है, इसलिए तभी तो हर शंकर जी से हर गुण से श्रेष्ठ होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से इनकी विंध्याचल की पत्नी की बेटी, दो बेटी इनकी जन्म हुई, एक चंद्रावली और एक श्री राधा रानी। लेकिन जो राधा रानी ये नित्र पुत्री श्री वृषभानु महाराज की, इनका पुत्री है। लेकिन ये वृषभानु महाराज की कृतिका सुंदर की गर्भ में तो आई थी चंद्रसेना का, लेकिन जोग माया ने किया कि इनकी गर्भों को आकर्षण करते हुए ये दोनों बेटी को लेकर के विंध्याचल की पत्नी की गर्भ में स्थापन कर दिया। जब गर्भ में स्थापन की उपयुक्त समय होने पर इनकी दो बेटी जन्म हुई, एक श्री राधा रानी और एक श्री चंद्रावली प्रकट हुई। जब प्रकट हुई इधर क्या हुआ, जिस समय ने वसुदेव महाराज उन्होंने अपना बेटा को रख करके जब वहां से गोकुल से बेटी को लेकर के आए, कंस को जो पता चला मेरा काल ने जन्म लिया, कंस भागते भागते आया, देखा वहां बेटा नहीं वहां पर बेटी है। इतने में कंस ने देवकी ने बहुत प्रार्थना की, बोले भैया तुम मेरे छह छह बच्चों को मार डाले हो, कम से कम एक बेटी तो छोड़ दे। बोले नहीं, ये आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बनेगा। इतने में कंस जब उसको पकड़ करके पछाड़ने के लिए गया, मारने के लिए गई, इतने में वो देवी ने किया कि चरण की ठोकर मारी और आकाश में चली गई। और आकाश में जाकर कहते रे मुड़ा कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, वो अकेला जन्म नहीं लिया, उसको साथ में उसकी शक्ति भी कहीं जन्म ली, लेकिन उसका जो शक्ति कहीं जन्म ली है वो मेरे से भी ज्यादा सुंदरी है, मेरे से भी ज्यादा रूपवान है, अगर उसको साथ में जिसकी शादी होएगी ये जगत में चिर अमरत्व को प्राप्त करेगा, सारा दुनिया में उसकी जस फैलेगा, सारा जगत में उसकी जय जयकार होगी। ये बोल करके वो अंतर्ध्यान हो गई। जब अंतर्ध्यान हो गई इतने में कंस ने अपना सारे परिवार को बुलाया, अघासुर बकासुर पुतना आदि को बुलाया, बोले ऐसे ऐसे बात, पुतना बीच में खड़ी हो गई, बोले भैया ये पुतना रहते हुए पूत का क्या काम है, मेरा नाम है पूत ना, बोले जिसका पुत्र है नहीं ये पूत का क्या काम है, अगर कहीं जन्म हुआ होगा एक महीना के अंदर में ना, बोले हाँ, बोले चिंता मत करो सबके मैं मार डालूंगा। लेकिन कंस ने कहा देखो एक काम करियो, बोले क्या, बोले मेरी जो जो देवी थी जो आकाशवाणी की, इसने मेरे को बताए उनका शक्ति भी कहीं जन्म ली, वो मेरे से भी सुंदर है और मेरे से भी हाँ उनको साथ में जिसकी शादी होगी वो जगत में बड़ी प्रशंसा नाम होगा, चिर अमर बनेगा, इसलिए अगर कहीं लड़का मिला तो मार देना, लेकिन लड़की मिले तो मारना नहीं, उसको ले आना मैं शादी करूंगा। इतने में पुतना सारा दुनिया में जाकर के बच्चों को ये पुतना मार रही थी, मारते मारते अभी श्री हाँ विंध्याचल पर्वत सोच रहे हैं, सुनाई पड़ता है किसी घर में कोई बच्चा नहीं रहता है, पता नहीं कौन आकर के बच्चों को मार डालता पता नहीं चलता है, हाँ कौन आकर मार कर चले जाता है। वो बड़े सावधान को साथ में बेटी को रखा कर रहे थे, लेकिन इतने में क्या हुआ, पुतना गई और ये राधा रानी चंद्रावली को पकड़ी और लेकर के आकाश में उड़ चली। इतने में विंध्याचल को पता चला मेरी बेटी भी अपहरण हो गई, उन्होंने अपना पुरोहितों को बुलाया, बोले ऐसे उच्चाटन मंत्र प्रयोग करो जिस मंत्र से ये पुतना मर जाए। जब वो उच्चाटन मंत्र प्रयोग किया इतने में पुतना डर गई, डर करके उन्होंने किया कि राधा रानी को जो रावल है ना वहीं पर राधा रानी को रख कर चली गई, और पास से गांव में चंद्रावली का गांव भी है, चंद्रावली को पास में रख करके चली गई। जब चली गई इतने में वृषभानु महाराज, इनका नित्य नियम था क्या था, ब्रह्म मुहूर्त में ये स्नान करने के लिए जाते थे, जब स्नान करने के लिए गए देखा सतदल कमल फूल के ऊपर में किलकारी मारते हुए बड़ी सुंदरी एक प्यारी बालिका चंद्र ये कमल फूल ऊपर में लेट हुई और बहते बहते आ रही है, और वृषभानु महाराज उतरते हुए गए और लाली को उन्होंने अपना
गोद में उठा लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की, अपना गोद में उठा करके उन्होंने श्री कीर्तिका सुंदरी को दिया, बोले देखो कीर्ति दे, ठाकुर जी ने हमें एक लाली, लेकिन लाली किसकी थी, इनकी लाली थी, लेकिन घूम घाम करके फिर इनको पास में आ गए, क्योंकि इनका ही नित्य लाली श्री राधा रानी। अभी वृषभानु, अभी कीर्तिका सुंदरी वृषभानु महाराज राधा रानी को बड़े सावधान को साथ में घर में लालन पालन कर रहे थे। इतने में नारद जी ने क्या देखा, कृष्ण गोकुल में जन्म हो चुके हैं, लेकिन कृष्ण कभी अकेले जन्म नहीं होंगे, वो अपना शक्ति को साथ में जन्म लेंगे, जरूर कहीं ना कहीं से राधा रानी ये गोकुल में जन्म हुई है। इसलिए श्री नारद जी क्या कर रहे थे, अली गलियों में हैं, ब्रज की गली गलियों में जा जा करके वृषभानु महाराज श्री नारद जी ढूंढ रहे थे श्री किशोर जी की जन्म कहां पर हुआ है। कहीं देखा ललिता, कहीं देखा विशाखा, अलग अलग सखियों को देखा, लेकिन राधा रानी मिली नहीं। लेकिन जब वो आए रावल में और वृषभानु महाराज को पूछे, आपका घर में कोई संतान जन्म भयो है, बोले हाँ, तब उन्होंने श्रीदाम को लाकर दिखाया, श्रीदाम बोले ये तो कृष्ण का प्रिय सखा है, बोले भैया कोई बेटी जन्म हुई कि नहीं, चुप हो गए, क्योंकि बेटी को उन्होंने यमुना से प्राप्त हुए हैं। जब बोले बोलो ना कोई, बोले हाँ घर में एक बेटी की जन्म हुई है, बोले ले करके आओ। जब उन्होंने ले करके आए ना, नारद जी देख करके पहचान गए, अरे मैं तो इन्हीं को ही मैं ढूंढ रहा था, यही श्री श्याम सुंदर की कौन है, लादिनी शक्ति, पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, यही तो श्री श्याम सुंदर की पराशक्ति है। अभी श्री नारद जी राधा जी को थोड़ा स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी भावना क्या है, वृषभानु महाराज कृतिका सुंदर की, ये मेरी लाडली लाली है, लेकिन उनको पता नहीं यही रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी, उनको तो सोचते मेरे लाली, उनको बहाना बनाया, थोड़ी सी आप फूल लेकर के आओ, आपका बेटी को मैं थोड़ा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब अंदर में गए ना, इतने में राधा रानी किशोरी रूप में प्रकट हो गई, अष्ट सखियां प्रकट हो गई। इतने में ललिता के तो बाबा क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अभी अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। इतने में श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं, बोले मुनिन्द्र बिंद बंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसाद प्रशस्त मात्र हास्य पूर्ण पूर्ण साक्ष्य साधने